हाँ बोलिए, कौन भाई? हाँ, मुंबई से अमान बोल रहा था। मुझे जानना था नबी से मदद मांगना क्या है। नबी से मदद मांगना कैसा? हाँ कैसा, वो आप बताओ ना कैसा। हम तो मानते हैं, हम तो सही मानते हैं। तो कैसा मानते वो तो बताओ। कैसा, वसीले से मांगना या फिर ये बोलना कि नबी बारिश बरसा दो, ये बोलना कैसा? साफ साफ बोलो, एक तो आधे अल्फाज बोल रहे आधे खा जा रहे हो। अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अभी मैं रोजे रसूल पे हाजिर हूँ, वो कहूँ नबी बारिश बरसा दो, तो ये क्या होगा? शिर्क होगा, क्या होगा, बताइए ना। कहाँ पर हाजिर हो? रोजे रसूल पे हाजिर हो, चाहे वहाँ जाके ऐसा बोलो कि बारिश बरसा दे। हाँ, और यहाँ से नहीं बोल पाओगे? हाँ तो यहाँ से भी वही तो बोल रहा हूँ। चाहे तो फिर रोजे रसूल की शर्त खास क्यों की? मैं तो बोल रहा हूँ, आप वो बाद में वो भी तो बोला, आप सुने नहीं पूरा। क्या मैं बोला, इंडिया से भी अगर कहूँगा नबी बारिश बरसा दीजिए या फिर वसीले से मांगूंगा अल्लाह नबी के। हाँ तो ये तो आप तो कुरान के मुनकिर बन गए ना। कैसे बने? कुरान में तो वाज आया था ना, पांच चीजों का अख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला को है, उसमें एक बारिश बरसाना भी है। और मतलब तुम नबी से मांगना शिर्क है, तो वो पूछ रहा था। अब भाई देखो, कुरान ने कहा पांच चीजों की ताकत इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, और वो है उसमें एक बारिश बरसाना भी है। अब तुम किसी को भी बोलो, सिर्फ नबी से क्यों? तुम अहले बैत को बोलो, तुम आदम अलैहिस्सलाम को बोलो, तुम किसी को भी बोलोगे तो शिर्क हो जाएगा। और तुम नबी कुरान के मुनकिर हो और कुरान के वस्ता हो। कुरान के सर को एक मेरे मैं एक हदीस आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, सुनोगे? हाँ सुनाओ। हाँ एक सेकेंड। हाँ देखो, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में किताबुल फजाइल में है, हदीस नंबर 35। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक के जमाने में दौर खिलाफत में कहत पड़ चुका था। सहाबी रसूल हजरत बिलाल बिन हारिस, वो तो बहुत मशहूर, वो बुखारी की रिवायत है, तुम उधर कहाँ भाग रहे हो? वो तो बुखारी में भी है। तो यार पूरा तो उसमें किधर है? अरे सुन लिया, पढ़ लिया, उसे मफहूम बयान करो अपना, मालूम है हमको। हाँ तो हदीस मालूम है, तो वही उसमें बिलाल तो उसमें कहीं नहीं है, नबी कहत पड़ चुका है, उम्मत हलाक होने वाली है। वो तो दुआ है ना भाई, वो दुआ है। दुआ करने से किसने माना के? नेक लोग तो मांग रहे ना नबी से, वो तो रोजे रसूल पे हाजिर होके मांग रहे हैं। किसे? रोजे रसूल पर हाजिर होके मांग रहे हैं। हाँ हाँ, तो फिर मतलब उनको कुरान नहीं समझता था? वो तुम जानो ना। मैंने तो पेशी नहीं किया, मैं क्यों जानू? मैंने तो पेशी नहीं किया, मैं क्यों जानू? तुम जानो। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि सहाबी ज्यादा जानते कि तुम ज्यादा जानते हो, वो तो नाम ना भी तो मांग रहे हैं। नहीं तो इससे साबित हुआ, इससे साबित हुआ कि जो तुम समझ रहे हो सहाबी, वो नहीं अमल कर रहे। नहीं तो कैसे, वो तो पूरा लिखा है। सीधी बात है ना, एग्जाम में तुम्हारे कुरान है कि पांच चीजों की ताकत इख्तियार अल्लाह के हाथ में। अब सहाबी को ज्यादा कुरान मालूम होगा तुमको? अब तुम तो नाउज़ुबिल्लाह साहबी को गुस्ताखी कर रहे हो, तुम तो साहबी की गुस्ताखी कर रहे हो। तो बस तक पर मैं नहीं मांग रहा हूँ, तुम साहबी ऐसा करते ही नहीं है ना। अरे भाई हजरत हदीस के मुनकिर हो रहे हो, सही हदीस नहीं तो सही हदीस हो ही नहीं सकती ना। कैसे नहीं हो सकते, अभी बता दो कौन कौन लिखा है इसमें, पहले इसका देख लो। इब्ने हजर अस्कलानी ने भी सही लिखा है और तुम्हारे इब्ने कसीर ने भी सही लिखा है। क्या लिखा है, क्या लिखा है, किसकी पेश कर रहे हो पहले ये तो बताओ। तो तहकीक क्या, मैं खुद ही किताब से पढ़ के बोल लो, तुमको तो अरबी आती नहीं है। वन निहाया नहीं है भाई, तो अरे अलबदाया वन निहाया उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, काय में है वो ये उर्दू उसमें है, अरबी में, अरबी में है ना। तो तुम तो पढ़ ही नहीं होंगे, तुमको किसी ने बताया होगा तो कौन है वो? बताया कहाँ, मैं पढ़ ही नहीं सकते भाई, हम तुमको कैसे पता मैं नहीं पढ़ सकते? तुमको नबी का इल्म गैब नहीं मानते हो तुम। आदमी के जुमलों से बात समझ में आ जाती है ना। अब ये कोई मत करो दिमाग से सुनो, जब आदमी हदीस वाकई हदीस पढ़ता है ना, तो उसे हदीस की खूबसूरती है कि जब हदीस पढ़ी जाती है और वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हदीस है, तो ऐसा लगता है कि आदमी इस जमाने में नहीं बल्कि उस जमाने में है। लेकिन जब झूठी हदीस पढ़ी जाती है ना, तो ऐसा लगता है तो बनावटी है। उसके पहले बताओ कौन लिखा झूठी इसको? अरे मिसाल दिया ना तुमने, उसको पकड़ लिया, दिल पे ले लिए। इतना दिल पे क्यों लेते हो? ठीक है तुमने, हाँ अच्छा ठीक है, चलो इसका ही बता दो कि हदीसी का बताओ क्या है फिर। क्या तो नबी, ये तो नबी से मदद मांग रहे हैं ना। नहीं तो गलत है ना, वो हदीस सही नहीं है। कौन बोला सही नहीं? इब्ने हजर अस्कलानी ने सही लिखा है, इब्ने कसीर ने। क्या है अल्फाज, क्या है उसके? वो मालिकुद्दार जो रावी है उसने वो है आया है अभी अरबी में, वो है नहीं हाजिर मेरे पास, लेकिन आप बोलो तो स्कैन पेज भेज दूंगा मैं आपको। अच्छा बोलो ना, मफहूम तो पढ़ो, क्या अल्फाज है? हाँ मफहूम यही है कि जब एकदम कहत पड़ चुका था, जब बारिश नहीं हो रही थी, तो बिलाल बिन हारिस नबी अलैहिस्सलाम के रोजे पे हाजिर होके कहा है या रसूलल्लाह बारिश बरसा दीजिए, उम्मत हलाक होने वाली है। तो मफहूम यही है कि नबी से वो भी मदद मांगे। नहीं, उसके बाद और है कि उनके ख्वाब में वो नबी अलैहिस्सलाम की जियारत हुई थी। हाँ। कहा उमर के पास जाओ, ये सब है आगे।
लेकिन मांगे तो मदद ना नबी से विशाल के बाद। नहीं नहीं, नबी से मदद मांगे मांगना सही नहीं है, किसी से भी मदद मांगना सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? तो मतलब ये क्या शिर्क कर रहे थे? शिर्क किसे कहते बताओ? अच्छा एक बात बताओ, शिर्क किसे कहते? तो तुम ही तो जब से वो सर पे चढ़ाए रखते हो, सब मुशरिक बोलते हो, नबी से मदद मांगना जो मांगे, इतना पगला क्यों गए? ये बताओ शिर्क किसे कहते? शिर्क की जो तुम ही तो बोलते हो ना, तो शिर्क तुम नहीं मानते? तुम शिर्क को शिर्क नहीं मानते क्या? अरे बिल्कुल मानते हैं, लेकिन ये नबी से मांगना शिर्क थोड़ी होता है। तो मुझे बताओ ना शिर्क कैसे कहते हैं? तो बताओ ना शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह की जात में भाई, पहले फतवे मत ठोको ना, शिर्क की तारीफ तो करो। अरे तो बोल तो रहा हूँ, अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना, और शिर्क की तीन किस्म भी है। शिर्क की तीन किस्म? अच्छा बयान कीजिए। हाँ एक सेकेंड, शिर्क की जात, शिर्क की सिफात और शिर्क की इबादात। हाँ तो जी जी जी, और क्या? और क्या, और क्या बोलू ना? और क्या? शिफात, सिर्फ़ इबादत। तो तारीफ तो की नहीं तुमने, तो ये नाम बताया बस। तो मैं तो बोल रहा हूँ अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना। अरे नहीं ना भाई, तुमको आई नहीं रही तारीफ। शिर्क की तारीफ ये है कि बराबरी का हिस्सा देना, शरीक करना। शरीक करते ना हम, जब किसी को पार्टनर बनाते हैं अपने बिजनेस में, तो बराबरी का हिस्सा देते हैं ना, आधा तेरा आधा मेरा। हाँ। है ना? हाँ। तो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना, तो बराबरी का हिस्सा देना। हाँ। जो काम अल्लाह ताला कर सकता वो काम वो भी कर सकता। अब बारिश बरसाने का हक किसका है? वो तो अल्लाह का, लेकिन अल्लाह की अता से रसूलुल्लाह बरसा सकते क्या? सुनो, रसूलुल्लाह बरसा सकते क्या? अल्लाह की अता से बिल्कुल, अल्लाह की अता से बिल्कुल। चलो मान लिए तुमने कि सहाबी का किधर शिरकिया नहीं था, तुमने तो मान लिया। तुमने तो मान लिया, तो बेचारे को सवाल किए। नहीं हुआ ना, अल्लाह की तुमने तो मान लिया यहाँ के अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी बारिश नहीं पर अल्लाह अल्लाह से दे सकता। अभी तुमने फिर एक और कुरान पे झूठ बोल दिया। मैं जानता हूँ, मैंने बोला कि अल्लाह की अता से नबी भी दे सकते हैं, बारिश दे सकते हैं अल्लाह। हाँ अल्लाह की अता से तो बिल्कुल। अल्लाह ताला ने ताकत किसी को दिया ही नहीं है, कुरान में कह दी अल्लाह ताला ने, पांच चीजों की ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। फिर कुरान के मुनकर बन गए तुम, फिर शिर्क कर बैठे। कुरान के मुनकर वो, मैं तो बोलो अल्लाह की अता से दे सकते हैं। अल्लाह ताला ने पांच चीजों का इख्तियार किसको दिया बताओ? वो सब कोई हदीस पेश कर, तुमको जवाब दो। नहीं ऐसे मत, जैसे परेशान मत होना, मैं आपको वसीले का पूरा मसला समझाऊंगा। मैं आपको वसीले का पूरा मसला समझाऊंगा। मैंने पूरा लिखा है कि जब आप, मैं तुम्हें पूरे मसले को हल कर दूं एक जुमले में। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अहले सुन्नत का, अहले सुन्नत का अकीदा वसीले के ताल्लुक से जो है ना वो हल कर देता हूँ, तुम कहीं उलझो भी नहीं। चलो ठीक है, चलो देखो, एक होता है कि जब हम दुआ करते हैं, जैसे देवबंदी बरेलवियों की मस्जिद में दुआ होती है, क्या होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते तो पहल में हमारी ये दुआ कबूल फरमा, है ना? सब जगह होती है ना, आप भी करते होगे ना। ये जुमला, ये जुमला अगर आदमी ये नियत से बोले कि मेरा अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान है और उनसे मोहब्बत है, ये वसीले के तहत ये जुमला बोले, तो ये वसीला जायज है। और अगर ये समझे कि अल्लाह ताला ने ये नबी को अता किया है, नबी इख्तियार रखते हैं, नबी की जात इख्तियार रखती है, तो ये शिर्क है। नबी नहीं रख सकते क्या वो? बिल्कुल, बस अब समझ में आया। अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि अगर वो नबी का कहीं नाम भी लेते थे ना, सुनो, तुमको ऐसी हदीसें मिलेगी जहाँ नबी का नाम लिया जा रहा है, तो वहां पर उससे मुराद क्या होती है? नबी से मोहब्बत। वसीले का पहला वसीला जो जायज है वो क्या है? अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान, उनसे मोहब्बत। और जो इस वसीले का मुनकर है वो काफिर है। वो तो है, सही बात है, वो काफिर है, इत्तेफाक है उस पर। तो अल्लाह रसूल से जो मोहब्बत नहीं करता तो काफिर रहेगा। जब सहाबी अगर कभी या कोई उम्मत ये बात बोलता है कि अल्लाह के नबी के सत्य या किसी और नबी के सत्य तो फैलने, किसी नेक बंदे के उसमें सत्य तो फैलने, और उससे उसकी मुराद, उसकी नीयत ये हो कि अल्लाह उसके रसूल पर ईमान और उनसे मोहब्बत, तो वो वसीला जायज हो जाएगा। लेकिन अगर उसने उससे ज़ात को राज लिया तो वो शिर्क हो जाएगा। तो अभी तक के मुशरिक का फतवा का अगले लगाए रहते थे बड़े। तुम तो ज़ात मुराद लेते हो ना, तुम का ईमान वो लेते हो। नहीं, मैं तो ही नहीं, कोई नहीं होता ही नहीं। मुशरिक ने मक्का का अकीदा था वो, मुशरिक मक्का पे मत जाओ, यहाँ पे आप पूरा भाई अकीदा तो पहले सुनना था ही नहीं ना। मुशरिकी ने मक्का ये अकीदा अपने बुतों के और अपने औलिया के ताल्लुक से रखते थे कि उनको अल्लाह ने अताई इल्म दिया है,
तो वो अकीदा है। लेकिन यहाँ पे तो बिलाल ने हारिस ने मांगा ना नबी से, नबी से मांगा। जुमला बताया ना भाई, मैंने जुमला बताया ना कि उससे मुराद उनकी नियत होती है ना, तो वैसी तो हम भी लेते हैं, वो तो हम भी वैसी लेते हैं ना। देखा अभी तो तुमने बोले कि नहीं हम जात लेते हैं, अटाई लेते हैं, फिर तुम वो मुकर गए। हाँ तो अटाई तो अल्लाह के, दोनों लड्डू हाथ में मत रखो भाई, दोनों लड्डू हाथ में मत रखो, शिर्क हो जाएगा। कैसे शिर्क होगा यार, तुम मुशरिकी ने मक्का ये अमल करे तो मुशरिकी ने मक्का कहलाए, और तुम करो तो तुम सच्चे पक्के अहले सुन्नत कहलाओ। वो कितनी आंखों में धूल झोंक रहे हो, मानते थे हम नहीं मानते यार। इला मानते तो शरीक का मतलब ही वही होता है, जब इख्तियार दिए तो इला मान लिए तुमने, जरूरी नहीं है कि आदमी मुंह से बोले। सुनो ना एक आदमी, एक आदमी बोले कि मैं सब अल्लाह के, अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, लेकिन सच्चा कबर के आगे भी करे, सच्चा मूरत के आगे भी करे, तो उसे मुशरिक बोलोगे कि सजदे, सजदे की हाँ हाँ नहीं, सजदे तक वो भी होता है, दो किस्म होती है, लेकिन दोनों हराम हाँ, है। तो मैंने भी तो वसीले की किस्म बताया, मैंने भी तो वसीले की किस्म बताया ना, तो वो क्यों नहीं मान रहे हो ये वसीला? तो हाँ तो कौन सा कैसा, ये जो हम लोग मांगते हैं कि नदी के सत्य में हमारा ये हल हो जाए, तुम्हारी नियत ये है कि उनकी जात है, उनकी जात मुराद उनको इख्तियार है, तो शिर्क हो जाएगा उनको। हाँ वो शिर्क हो जाएगा। अब तुम्हें एक और सुनो, अब तुम्हें एक चीज और आसानी नहीं है, अल्लाह के बंदे एक चीज और आसानी से, वह तावन वलल बिर, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। क्या कहा अल्लाह ताला ने कुरान में? नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, यानी अल्लाह ताला जिसको जो इख्तियार देता है वो उस इख्तियार के जरिए लोगों की मदद कर सकता है। अल्लाह ताला ने मुझे पैसे वाला बनाया तो मैं पैसे के जरिए मदद कर सकता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे गद्दी दी है, कुर्सी दी है, तो मैं उसके जरिए लोगों की मदद कर सकता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे डॉक्टर बनाया है तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। यानी उसने ताकत दी अल्लाह ताला ने, और उससे आप मदद हासिल करना चाहो तो आप मदद कर सकते हो, ले सकते हो, ये जायज है। लेकिन उसमें ताकत ही नहीं है और आप उससे मदद करो तो फिर ये शिर्क हो जाएगा। तो बताओ बिलाल बिन हारिस क्यों गए थे नदी? अब उनसे पूछो जाके भाई, मेरे से काय को पूछ रहे हो, मेरे शिर्क की तारीफ पर आपको एहसान हो? हम तो बोल रहे थे नहीं ना भाई, वो साहबी ऐसा करते ही नहीं ना, वो तो हमने बोल दिया ना। हाँ तो मतलब हमारा तो अकीदा है कि सहाबा बरेली जैसे हो ही सकते ना। समझता है पहले बताओ कौन इतने कसर झूठा है उसने, तो वो लिखा जैयद लिखा है। पहली बात तो जैयद सनद बोलने से, सनद सही बोलने से हदीस का मतन सही नहीं होता ना, बहुत सी सनद तो सही होती है। अब आपको मालूल हदीस नहीं मालूम? मालूल हदीस किसको कहते हैं? सनद सही है, सनद आशा है मालिक उद्दार। सुनो सनद की बात आई अभी, सुनो अल्लाह के बंदो, मालूल हदीस किसको कहते हैं तुम्हें मालूम है? जब से मैं आपकी चीज सुना अभी आपने भी नहीं सुना। मैं तुम्हें सनद सिखा रहा हूँ ना, मालूल हदीस उसे ही कहते हैं जिसकी सनद सही होती है। यार तुम क्या मेरे को? अच्छा मालूल हदीस की तारीफ सही अच्छा है तुम सीखे जो, तो मालूल हदीस की तारीफ करो। मालूल हदीस मैं जो बोल रहा था, जो सनद है मैं वो सही करूंगा। अरे मालूम, मालूल हदीस किसको कहते हैं बताओ ना जरा। अरे वहाँ मत जाओ, वहाँ पे तुम बात घुमा देंगे। तुमको पता नहीं रहा तुम्हें अभी तुम देख रहा हूँ अल्लाह के बंदो, जब से जो मुश्रिक का फतवा लगाते थे वो गलत हो जाएगा। अल्लाह के बंदो हम तो अहले हदीस हैं, तुम्हारे पहली बात बताएंगे, घुमाएंगे नहीं तुमको, हमको मुकल्लिद नहीं है। तुम ही घुमा रहे हो यार, तुम घुमा रहे हो। तुम्हें मालूल हदीस उससे कहते हैं, यहाँ मालूम हदीस, अरे मालूम नहीं, मालूल हदीस सनद भी है। अरे अल्लाह के बंदो मालूल हदीस उसको कहते हैं, टोटल सही है, पूरा नहीं सच सही है। सुन मालूल हदीस उसे कहते हैं जिसकी सनद सही होती है। क्या होती है? मालूल हदीस तुम्हें देखने में सनद सही है, सब कुछ सही दिखता है, लेकिन मुहद्दिस इमाम जो उस हदीस का माहिर है, उस इल्म का माहिर है, वो कह देता है जैसे इमाम बुखारी, इमाम बुखारी ने कह दी हदीस मालूल है। तो तुम्हें जैसे, हम जैसे कमजोर ईमान इल्म वालों को अगर वो हदीस देखेंगे ना तो सही, सब कुछ सही लगेगा, लेकिन वो इमाम ने कह दिया मालूल है तो वो हदीस ज़ईफ़ है, समझे? तो उसकी सनद भी सही तो होती है। मालूम कहा है? हाँ ठीक है आपकी बात मान। अरे ये तो अकीदे का मसला है ना, अकीदे के मसले में कुछ ही कहने की जरूरत है क्या? शिर्क का मामला है, इसमें कुछ कहेगा तो मानोगे? असल से पैदल तो ही ईमान तुम्हारे को उज़बिल्ला, ये तो तुम इल्जाम लगा रहे हो। हमने तो बोले ही नहीं, तुम इल्जाम लगा रहे हो। इब्ने कसीर में जय्यद तुमने लगाए, तुमने भाई तुमने लगाया ना, हजरत उमर के वजीरे खजाना थे उनको अल्लामा इब्ने तैमिया, तुम वो क्या अल्लामा इब्ने कसीर जो ए, क्या अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो अगर कोई सहाबी से ये अमल साबित भी हो जाए ना, अल्बानी, अल्बानी तुम लोग का अल्बानी सही लिखा है। अरे भाई तो इत्तेहादी खत्म भी सही है, सुनो ना वो सहाबी की इत्तेहादी खत्म। अब जब सब, अब तुम यहाँ वहाँ की बात करोगे की इत्तेहादी खत्म, नहीं नहीं मैं मिसाल देता हूँ, जबकि साबित हो रहा है। सुनो मैं मिसाल देता हूँ, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाए
तो हजरत उमर ने क्या कहा, अगर जिसने बोला हजरत अल्लाह के नबी वफात पर उसकी गर्दन मार दूंगा, तो हजरत उमर यहाँ सही थे कि गलत थे? अरे वो तो मोहब्बत की बात थी यार, वो तुम अरे मैं बोला सही थे या गलत थे ये बताओ ना, मोहब्बत की बात थी तब तेरे घर में मोहब्बत, वो तो वो ही हमारी जाने, बात नबी जाने, वो हमारा नहीं, वो उसमें नहीं जाते कैसे जाने, ये कोई इल्मे गैब की बात है जो नबी जाने वो जाने, अब वो सिद्दीक खड़े होकर उनका रद्द नहीं किए तो वही तो मोहब्बत तुम यानी कुरान हदीस पे ऐसे झुठलाते हो, मोहब्बत की बात है तो मोहब्बत की बात गलत बात भी ले लोगे तुम और उसका रद्द नहीं करोगे? ये अकीदे नहीं करते हैं, ये अकीदे का मसला था, इसलिए अबू बकर सिद्दीक खड़े होके फौरन रद्द किए। तो जब अकीदे का मसला आता है ना तो फौरन रद्द करना चाहिए, मतलब ईमान का मामला है, कोई मामूली चीज नहीं है, दुनिया आखिरत दोनों हाथ से चले जाएगी तुम्हारे, बरेल पे पकड़ के कुछ नहीं मिल रहा, तुमको झुंझुना बजाते रह जाओगे दुनिया में। क्यों नहीं, फोन बोला नहीं है यार इतना, वो हम लोग बरेली तुम जिद में आ रहे, जिद में मत आओ, जिद्दियों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। हाँ वो तो माल कभी तुमको नहीं मिली आजकल हिदायत, हिदायत इसीलिए नहीं हो, इसीलिए तुम हिदायत पे नहीं हो, वो सिद्दी तुम मानते हो जब यहाँ से साबित होगी सनद भी सही, दुनिया सुनेगी, ये दुनिया सुनेगी तो पूरी बात किसने किया है वो दुनिया जान लेगी, हम तो बोल रहे ना कोई साबित भी हो जाएगी, घुमा देखी तुमको पता नहीं, है नहीं, 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 हम तो मांगे, हम मांगते थे वैसे वो भी मांगते थे, और लगे बंदो देखो हम तो कह देंगे इत्तेहादी खता है, जैसे सही बुखारी में एक रिवायत है किस चीज की, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से रजी अल्लाह अन्हु, कितने बड़े सहाबी हैं कुरान के, तुमने कहा बिलाल बिन हारिस से इत्तेहादी खता हुई थी, मेरी बात सुन लो एक बार, अगर वो साबित भी हो जाए तो इत्तेहादी खता शुमार होगी वो। हाँ ठीक है, दलील नहीं बनेगी उनको। अच्छा एक मिनट सुनो सुनो सुनो, जब इत्तेहादी खता थी तो हजरत उमर को जब आगे आके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ तो उमर ने क्यों नहीं कुछ कहा, बताओ पहले, ये तो सब तुम तबसरे कर रहे हो, जबकि सही बुखारी में रिवायत है हजरत उमर की कि उनके जमाने में कहत पड़ा तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ नहीं मांगे, उन्होंने अबू सिद्दीक से दुआ नहीं मांगे, उन्होंने उनके चाचा अब्दुल हजरत अब्बास को बुलाए और उनसे कहा कि आप दुआ कीजिए, यहाँ से वो भी दूसरे भी तो साबित हो रहा है, वो क्यों नहीं मान रहे तुम दूसरे, वो तो मान रहे ना, नेक जो लोग मौजूद हो नेक हो उनसे दुआ कराना चाहिए, इस वसीले को हम मानते हैं। अरे तो नहीं दो तो यहाँ तो कहते हैं, हम तो मस्जिद में जुमा के दिन बोलते हैं भाई, जमाने में हुआ है दुआ करवा दो, जमाने में हुआ है तो भाई हजरत उमर को क्यों नहीं मालूम, हजरत उमर के जमाने में हुआ, यानी हजरत उमर ने नबी को छोड़कर उनके चचे से दुआ मांग दुआ करवाई, अरे अफजल दर्जा कितना अलग वो बता, हाँ ठीक है हजरत उमर बताना चाह रहे थे नबी के घर का भी वसीला दिया जा सकता है, नहीं नहीं ये बताना नहीं चाह रहे थे, ये बताना चाह रहे थे कि वसीले का सही पहलू ये है कि जो लोग मौजूद है जिनको अल्लाह ने ताकत इख्तियार दिया है दुआ करने का, अमलों का दारो मदार कब है, अमलों का सिलसिला कब तक है, मौत तक, उसके बाद अमलों का सिलसिला मुनकता है, दुआ इबादत है, ये बिलाल बिन हारिस का क्या करोगे बताओ, जो ये सहाबी रसूल है जो मांग रहे थे, बताए तो सही, मैंने पहली बात तो रिवायत सही नहीं है, पहली चीज तो मैंने बता दी रिवायत सही नहीं है, दूसरी चीज अगर तुम ये रिवायत सही में साबित कर लो, अरे हाँ तो तुम साबित भी कर दोगे दूसरी तो इत्तेहादी खता शुमार होगी सहाबी की, अब बोलो कैसे, हाँ ठीक है इत्तेहादी खता भी हुई तो उमर ने क्यों नहीं सजा दी, उन्होंने वो हजरत उमर से पूछो भाई, वो भाई तुम्हारा मतलब मेरे गले मत पड़ो ना, लगे भाई मेरे गले मत पड़ो, ये मेरा मसला नहीं है, आपको रिवायत पे आदिलों के बादशाह थे, उमर आदिलों के बादशाह थे, उमर क्यों नहीं सजा देते, जाओ ना हजरत उमर पे एतराज करने वाला कुछ किया ना, उमर भी जानते कि ना, हाँ उमर ने माना कि तू सही गया है, अरे तो तुमने माने भैया कुछ भी लगाओ इल्जाम हजरत उमर पर, तुमने तो झूठ बोल दिया, हजरत उमर ने औरतों का मस्जिद में जाना रोका, ऐसे झूठ तो तुमने गढ़ दियो, 20 का तरावी हजरत उमर ने शुरू करवाई, तुम्हारा काम ही हजरत उमर पर झूठ बोलना, वो तो है, वो तो है लेकिन वो बाद में बात करेंगे ना, उस पे तुम्हारा काम ही है शेयर आदमी का हजरत उमर का नाम लेके झूठ बोलना, इतने सफेद सफेद झूठ बोलते थोड़े भी डरते नहीं हुआ तुम लोग। अच्छा एक मिनट सुनो, जैसे तुम्हारे मतलब के खिलाफ चले जाते उसको तुम नहीं, हमारा मतलब नहीं भाई, हमारा मतलब नहीं, मुझे एक बात बताओ, फैसला कर लेते हैं ना, काफिर और मुशरिक के वसीले में और तुम्हारे वसीले में क्या फर्क है, दलील दे दो, काफी हाँ वो फर्क है कि वो इला मान के करते थे, हम उनको नेक बंदे मान के वो करते तो बंदी कर दी तुमने भाई, तो बंदी कर दी, क्या बोले इसे तुकबंदी बोलते हैं क्या बोल रहे, मैं समझा नहीं, वो छोड़ो ये इसे जुमलेबाजी तुकबंदी बोलते हैं, हीले बहाने, मैंने पूछा कि मुशरिकी ने मक्का का जो वसीला था जिसे तुम शिर्क कुफ्र कहते हो और तुम्हारे वसीले में क्या फर्क है, दलील से बताओ, दलील से तो बोल रहा हूँ, वो इला नहीं मानते उनको, ये कौन सी दलील है, कहाँ पढ़ लिए,
कौन सी हदीस में पढ़े बात? पढ़ने की क्या जरूरत है यार, ये तो ये वो रहता है सीधा रहता है, तो वो बेसिक वो है, ये तो रूल है, ये हसल की ये रूल नहीं है भाई, ये तुम्हारी तुकबंदी है, ये तुम्हारी तुकबंदी है। ये इस सवाल से तुम्हारा एहसान कादरी, श्रीलंका वाला एहसान कादरी भी भाग गया था इस सवाल से। अरे उससे वो भागा था यार, क्या नाम है, जाकिर नायक तुम्हारा भागा था, अभी तक वो भागता है। जब उसने वीडियो निकाला था ना, एहसान कादरी की वीडियो, मेरी ऑडियो भी है और एहसान कादरी की वीडियो भी है यूट्यूब पे, उसने कहा कि हम उस वसीले के मुनकिर हैं जो काफिरों वाला था, एहसान कादरी के अल्फाज है वीडियो में। मैंने फोन करके उनको कहा कि भाई मुझे बताइए काफिर मुशरिक वाला वसीला कौन सा है और आपके वसीले में क्या फर्क है, तो मुझे गाली देके भाग जाता हूँ। अरे तो तुमसे कहा तो तुम कॉन्फ्रेंस पे ले लो, वो तो जाकिर नायक है, जो जाकिर नायक है उसने बोला 25 आयतें, मैंने 55 आयतें वसीले के रथ में पेश कर दिया। अब बोलो तो वसीले एक, अरे तो वसीले का वो वहाँ तक मत जाओ यार, पहले इस पे बात करो, मत जाओ भाई। एहसान कादरी का ये टॉपिक के लिए बात कर रहा था, उसने 25 आयत पे एतराज किया था, मैंने 55 पेश कर दिया था। अरे तो वो तुम कुछ भी करो, मैं अभी समझ नहीं आया, मैं समझ में आ गई, इंशाल्लाह कभी बात होगी आपसे। और मुशरिक काफिर और मुशरिक के अकीदे और काफिर और मुशरिक के वसीले और तुम्हारे वसीले में क्या फर्क है? मैं वो बात करने आया था आपसे। तो अच्छे से पहले जबरदस्ती बात नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूँ भाई, मैं हक बोल रहा हूँ, वो हदीस सही है, हक बात बोल रहा हूँ, तुम्हें हक समझ में नहीं आ रहा, तुम घूम जा रहे हो, तुम्हारे को किसी ने बताया रहा, इसीलिए वहाँ से पलट गए, इसीलिए तुम वहाँ से पलट। अच्छा तुम ये मानोगे कि मुशरिक और काफिर के वसीला तुम्हारा होना चाहिए, इस बात को कबूल करोगे? क्या क्या मुशरिक का अकीदा काफिर का अकीदा तुम्हारा हो, क्या इस बात को तुम कबूल करोगे? वो अलग, वो इला मानते हैं, हम उन्हें एक बंदे मानते हैं, कौन बोला, कौन झूठा बोला, इला मानते थे यार वो, वहाँ वो मानते ही थे इला, तुम क्या मानते थे, तो दलील तो दो, कैसे मानते थे, क्या मानते थे? मैं उसके लिए बात कर रहा था, मैं क्या इला मानते थे, अल्लाह ताला ने वला तुती हूँ वला तुती पुराने मजीद में क्या है, वो पता, ये हदीस सही है भैया, तुम मान लो बात को, गुनाहगार को झूठा मारो, तुम कुरान की एक आयत से और मुनकिर बन गए, किसी नाशुक्रे गुनाहगार की बात मत मानना। अब तुमको किसी ने सिखा दिया कि वो इला मान के करते थे और तुमने बोल दी कुरान के मुनकिर बन गए? मैं आपसे बात करूंगा, वो भी उससे बात करूंगा, पहले इस पे तो बात करो यार, तुम घुमा दिए, तुमको पता है कि हदीस सही है, अगर तुम्हारा वहाबी धर्म से गिर पड़ेगा। मैं तुमको मांगा भाई, तुम घूम गए मेरे दलाइल पर, घूमे तुम, मैं फोन किसके लिए करा था, कहाँ लेके गए बात को, मान ले भैया। अरे क्या मान लो, क्या मान लो भाई, ये अकीदा है, नसे कतई से लगता है, समझ में आई अकीदा, समझ में आता है हदीस का क्या करोगे, पहले बताओ ये वाली हदीस की बात करो, ये वाली हदीस की बात करो। हां मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, एक और बेहतरीन उसूल से बताता हूँ, किसको किसने जाइफ का, पहले मैं को ये बता दूं, एक बात, ये हदीस पर तुम्हें एक उसूल और सिखाता हूँ कि दीन जो है ना, अल्लाह के बंदे, दीन जो है ना, दीन आसमानों में बनता है, तो दीन अकीदा जो है, मजहब इबादत जो है, वो कुरान की आयत या नस कतई यानी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, नस हो तो बनती है। तो उसके बाद अब फिर पूरी बात सुनो ना, अगर ये दो चीजें नहीं है और उसके बाद कोई उम्मती का कौल अमल आता है और वो दला उस पर नस नहीं होती तो वो इसे इज्तिहाद कह दिया जाता है और इज्तिहाद बोलकर उसे रद्द कर दिया जाता है। अच्छा तो मतलब नबी का वसीला नबी खुद देंगे, ये कौन सी बात हुई यार आपकी, मैं वसीले का बात कर रहा कि नबी का वसीला दे सकते, तो नबी अपना वसीला खुद देंगे। हाँ तो आप कुरान से दलील दे दो काय का। अरे भाई भाई अकलमंद थोड़ा दिमाग लगा कि नबी अपना वसीला खुद देंगे, तो नबी वसीला नहीं लेते थे, उम्मती देंगे ना, देंगे नबी का वसीला, नहीं नबी वसीला नहीं लेते थे, वसीला वहाँ लेते थे, कैसे लेते थे वो मैं उस पर बात करने आया था, तो आते ही नहीं तुमको इंशाल्लाह। तो भाई मैं हदीस की बात करने आया था, ये दीन और अल्लाह हदीस पर बात करने आया था, ये हदीस से, ये हदीस से नबी किसका वसीला दिए, ये हदीस से अकीदा साबित, नबी किसका वसीला दिए, तुम ये बात कर रहे हो, जब साहबी दे रहे हैं तुम क्या कहना चाहते हो, तुम दोनों हाथ में हाथ मिला रहे हो, एक अमल को शिर्क बोल रहे हो और उसी अमल को जब साहबी के जरिए इस्लाम का अकीदा ही बना दे रहे हो, ये क्या। हाँ तो है ना, वो तो साबित हो रहा है, जब तुमको पता है कि जब से मुस्लिम नहीं ना भाई, हमारे में तो उसूल हमें गलत साबित हो जाएगा, उसूल मालूम है कि शरीयत दीन जो है वो कुरान और हदीस रसूल से बनता है
और किसी सहाबी किसी ताबई किसी इमाम का कोई भी कॉल अमल अगर उसके खिलाफ हो उसके मुताबिक नस के मुताबिक ना हो तो वो इज्तिहाद होता है और इज्तिहाद बोल के रद्द कर दिया जाता है। जैसे तीन दिन कुर्बानी अब्दुल्ला इब्ने उमर का कॉल तीन दिन कुर्बानी का है, अब उस पर नस नहीं है इसलिए हम उसको इनकार कर देते हैं। ये क्या इश्तिहादी खता थी बिलाल बिन हारिस रजी अल्लाह तआला ने? हाँ, जो भी बात बिना दर्द के आएगी इश्तिहादी खता पे शुमार होगी। जब नबी अलैहिस्सलाम उनके उस पे आए ख्वाब में आए फिर कहे जाओ उमर के पास और उनको खबर दो कि तुमको बारिश दिया जाएगा तब बारिश से सैराब कर देंगे, तब वो उमर ने मतलब वो मोहब्बत में उनके आंखों क्या कहा उन्होंने क्या कहा? हाँ, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के ख्वाब में आए और उमर को बोले क्यों ना, उमर वो टाइम पे वो थे दौरे खिलाफ खलीफा थे, वो टेंशन में थे कि अब बारिश होगी नहीं। हजरत अल्लाह के नबी दे सकते थे आता था तो हजरत उमर के पास क्यों भेजे? हाँ तो वो भेजे उनको बिलाल बिन हारिस ने, बिलाल बिन हारिस को भेजे ना उमर के पास। अरे तो क्यों भेजे जब खुद अता कर सकते थे तो उनके पास भेजने की जरूरत क्या है? अरे तो भेजे इसलिए खुशखबरी देने के लिए कि तुमको बारिश से सैराब कर देंगे। अरे नहीं भाई, असल में तुम समझे नहीं क्योंकि तुम्हारे जैसे तो अगर एक मिनट में अगर ये इश्तिहादी खता होती इस पर मैं बहुत जवाब दे रहा, अगर इश्तिहादी खता होती तो उमर उनको वो करते उनको छोड़ते थे आदिलों के बादशाह वो थे उमर आदिलों के बादशाह थे वो छोड़ सकते थे बिलाल बिन हारिस को, कहते तू छिर कर क्यों गया? उमर ने उमर ने माना कि सही गया, उमर जब वो आके खबर दिया बिलाल बिन हारिस ने तो उनके आंखों से मोहब्बत में आंसू निकल आए, फिर कहा कि अल्लाह की कसम मैं आखिरी दम तक आया पुल जोश से काम करूंगा। ये मतन मतलब वो हाँ, तो इससे तो ये साबित हुआ कि वसीले इससे वसीला साबित नहीं हुआ हजरत उमर की फजीलत साबित हुई। फजीला क्या तो वो तो जा रहे ना बिलाल बिन हारिस से तो हजरत उमर का रोए, हजरत उमर रोई क्यों? वो इस मोहब्बत में रोए थे नबी अलैहिस्सलाम ने, वो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में रोए क्यों? उसी टाइम क्यों रोए? इससे पहले नहीं रोए थे क्या? बल्कि वहाँ इस बात से रोए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना चाहते हैं मानते हैं आज भी तो उससे मोहब्बत साबित हो रही थी। ये तो मोहब्बत की दलील हुई, तो मैं तो वसीले ही का बना ली। हारिस से तो वसीला भी तो साबित हो रहा है ना, बिलाल बिन हारिस साबित होगा भाई जब हजरत उमर ने खुद अपने जमाने में हजरत अब्बास से दुआ करवाई तो वो तो गए थे रोजे। हजरत उमर ने तो रद्द कर दिया ना उनका, उन्होंने अपने अल्लाह के नबी से दुआ नहीं करवाई हजरत अब्बास से कराई, तो चलो आपका भी रद्द हो गया दोनों दलीलों से। कैसे रद्द हुआ यार वो तो बता दो, रद्द हुआ यार बुखारी की रिवायत है, बता रहा हूँ ना। हाँ तो बुखारी की रिवायत है, मेरा ईमान है, हाँ मेरा ईमान है उसके, मैं उसका रद्द नहीं कर रहा हूँ। तो आगे तो तुम हमारे वसीले को गलत बोलते हो, इस वसीले को वहाबी के वसीले को तुम गलत बोलते हो। मैंने बोला गलत है, मेरा ईमान है उसके, लेकिन मैं जवाब नहीं देना। तुम वसीले को गलत क्यों बोलते हो? नहीं हाँ, ये तुम दोनों आदमी लड्डू, उधर बोल रहे हो ईमान है, इधर वहाबी के वसीले को गलत बोलते हो। वहाँ का वसीला कहाँ गलत है? डायरेक्ट भी तो वो जिंदे से भी करवा सकते हैं, लेकिन तुम हमारे वसीले को जो शिर्क बोलते हो वो तो गलत है ना। तो इसलिए कहते हैं कि जो मुर्दों को अल्लाह ने ताकत ही नहीं दिया है तो शिर्क हो गया वो मुर्दो। अरे तुम मुर्दे रहते हैं अगर नबी मुर्दे रहते तो कैसे आते उनके माँ के पेट में? नबी ने सुना भी बच्चा माँ के, एक बात बताओ भाई, एक बात, बच्चा माँ के पेट में हो तुम बोलो बेटा मेरा ये काम कर दे तो तुम क्या बोलोगे ऐसे शख्स को? वो तो अलग है, वो थोड़ी रहेगा, वो बोलेगा पागल है, दिमाग वाला नहीं रहेगा। नहीं पागल हाँ। है दिमाग वाला नहीं पागल हाँ, है कि अल्लाह ताला ने जिसको तो जो दिमाग वाला नहीं है, पागल है कोई फर्क है उसमें? अल्लाह ताला ने जिसको जो ताकत सलाहियत नहीं दी है और उससे वो कर रहा है तो पागल है। अल्लाह ताला ने इख्तियार किसी को दिया ही नहीं है। हाँ, तो फिर जब तुम्हारा ये अकीदा है तो भाई तुम्हारा खुद ही अकीदा है कि अल्लाह ताला ने इख्तियार अपने पास रखा किसी को नहीं दिया, और फिर तुम इसका रद्द पेश कर रहे हो, मतलब तुम अपने अकीदे का रद्द पेश करो, क्या खसक गए हो यार? नहीं क्या मतलब तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही यार, तुम नहीं समझ रहे आखिरी सांस तक के नहीं समझ, गलत साबित कर सकते अरे हदीस को। अरे भाई ये मेरा मसला है ही नहीं, ये मसला तुम्हारा, एक तो तुम मानते हो अकीदा और फिर अपने अकीदे को खुद ही रद्द करते हो और हमसे उलझते हो, ये क्या माजरा है तुम्हारा, क्या खेलकूद बना लिया कर रहे हो यार? जबरदस्ती तुम सिर्फ बोलते हो, हम काहे के लिए जवाब देते हैं, लेकिन हमको देना पड़ता है, तुम जबरदस्ती मुझसे बोलते रहते हो। एक बात, तुम नबी का वसीला वो भी दिए, सहारे भी दिए, लाल बारिश भी दिए, तुम ये बोलते हो कि बारिश बरसाना ये अल्लाह ताला की ताकत है और किसी में नहीं है ना? नहीं मैं ऐसा नहीं बोला, मतलब अल्लाह की अता से कुरान के मुनकिर हो? कुरान के मुनकिर हो? नहीं नहीं अल्लाह का जाती है, दूसरों का आता ही है। अरे यार तुम उनको पता है तुम ये सब गलत साबित हो रहे हो, नबी ने दी है, नबी ने हेल्प करी है उम्मत की वो टाइम पे, तुम गलत साबित हो रहे हो नबी के वसीले के मुनकिर हो। आप समझ में है ना, तुम अपना अकीदा खुद ही बातिल कर रहे हो, लज हमसे रहो भाई, हमसे मत अपनी कहा कुछ कर। वस्सलाम भाई मैं।